प्रणाम अंकल, मैं आपके इंजीनियरिंग के साथी राजू रहमान का पुत्र हूँ। प्रणाम अंकल, मैं आपके इंजीनियरिंग के साथी राजू रहमान का पुत्र हूँ। अंकल नमस्ते कहकर सीएम नीतीश कुमार के सामने लगी कुर्सी पर जब फरियादी बैठते हैं तो नीतीश कुमार उनका पूरा परिचय जानने के बाद अवाक रह जाते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज जब एक फरियादी पहुंचे तो नीतीश कुमार के अधिकारियों की जो पोल है वो खुल गई। यूं कहें तो नीतीश कुमार के भतीजे ने सूबे की नीतीश सरकार के अधिकारियों के कामकाज पर जिस तरीके से सवाल उठाया उसके बाद नीतीश कुमार भी कुछ समय के लिए चुप रह गए। दरअसल आज जनता दरबार में नीतीश कुमार के समक्ष एक व्यक्ति पहुंचते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नमस्ते अंकल कहकर संबोधित करते हैं। इसके बाद फरियादी जब अपना परिचय देते हैं तो नीतीश कुमार कुछ कह नहीं पाते और पूरे ध्यान से उनके शिकायत को सुनते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उस दौरान उनके अभिन्न मित्र के बेटे आज जब सीएम नीतीश के पास फरियाद लेकर पहुंचे तो उन्होंने अपना परिचय कुछ इस तरह दिया कि सीएम नीतीश भी अवाक रह गए। बता दें आपको कि अबादुल रहमान जो कि नीतीश कुमार के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे उनके बेटे एक अधिकारी के कामकाज को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे। उन्होंने दस्तावेज देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि आपके जो अधिकारी हैं वो ज़मीन का दाखिल तो करते हैं लेकिन खारिज नहीं करते जिसके कारण हमें परेशानियां होती है। नीतीश कुमार के समक्ष बैठा उनके मित्र का बेटा जब अपनी बातों को गंभीरता से कह रहा था तो नीतीश कुमार अवाक रह गए कि आखिर अधिकारी किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। सुनिए आज जब नीतीश कुमार के समक्ष उनके पुराने मित्र का बेटा बैठकर नीतीश कुमार के ही अधिकारी के कामकाज पर सवाल खड़ा कर रहा था तो नीतीश कुमार ने क्या आदेश दिया। प्रणाम अंकल, मैं आपके इंजीनियरिंग के साथी राजू रहमान का पुत्र हूँ। जी प्रणाम अंकल, आपके पदाधिकारी दाखिल करते हैं खारिज नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से दायरी बढ़ जाती है दूसरे लोगों की। ये क्या समस्या है? जी समस्या ये है कि मेरा जमाबंदी को खारिज अगले से नहीं किया गया, दाखिल तो कर दिया गया लेकिन 243 से खारिज होना चाहिए था। आपके जमीन को कोई दाखिल खारिज किया है? जी नहीं, ऑलरेडी दाखिल खारिज है मेरा लेकिन जहां से आया है उसमें से खारिज लोगों ने नहीं किया पदाधिकारियों ने जिसकी वजह से समस्या बढ़ी है। ये देख लीजिए इसका दिए हुए है 20 से ही मामला है, देख लीजिए। जाइए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।